राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। शशिकांत सेंथिल को वार रूम का चेयरमैन बनाया गया है। इसके साथ ही तीन अन्य लोगों को भी जिम्मेदारी मिली है। इनमें जसवंत गुर्जर, कैप्टन अरविंद कुमार के अलावा सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को को चेयरमैन बनाया गया है। एआईसीसी की ओर से महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये सूची जारी की है। यदि बात लोकेश शर्मा की करें तो लोकेश शर्मा को कांग्रेस में इस तरह की बड़ी जिम्मेदारी पहली बार मिली है। लोकेश शर्मा कांग्रेस से जुड़े हैं और इस बार बीकानेर से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि लोकेश शर्मा सीएम गहलोत के ओएसडी और सोशल मीडिया के हेड हैं। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है और दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस ने लोकेश शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी देकर संकेत दिया है कि पार्टी उनको टिकट भी दे सकती है। इन दिनों लोकेश शर्मा बीकानेर का दौरा कर रहे हैं। बीते दिनों में वो कई बार बीकानेर से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। आपको बता दें कि सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा जुलाई 2020 में मानेसर प्रकरण के समय फोन टैपिंग मामले को लेकर सुर्खियों में आए थे। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में केस भी दर्ज कराया है। इस मामले की फिलहाल सुनवाई चल रही है। दिल्ली की कोर्ट ने लोकेश शर्मा को फिलहाल राहत दे रखी है। फोन टैपिंग मामले में दिल्ली में मार्च 2021 में गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से FIR दर्ज करवाई गई थी। लोकेश शर्मा सीएम गहलोत के करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा वो सीएम गहलोत की सोशल मीडिया प्रोफाइल और सोशल मीडिया अभियानों के मैनेजमेंट को देखते रहे हैं। लोकेश शर्मा को सीएम गहलोत का ओएसडी कम्युनिकेशन नियुक्त किया गया था। लोकेश 2012 से सीएम गहलोत के सोशल मीडिया को संभाल रहे हैं। वो आईटी से जुड़े लोगों की टीम को लीड करते हैं। विधानसभा चुनाव में गहलोत के कैंपेन को ट्विटर और फेसबुक के जरिए आम लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा लोकेश शर्मा ने बखूबी निभाया था। लोकेश कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI में रहकर प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। अब कांग्रेस में जिस तरह से लोकेश को बड़ी जिम्मेदारी मिली है उसे देखकर लगता है कि पार्टी उन्हें टिकट भी दे सकती है। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।